हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूट का नेक डिज़ाइन। काफ़ी यूनिक, लेटेस्ट और क्रिएटिव हमारा नेक डिज़ाइन है और इस नेक को बनाना बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो चलो दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपना सुंदर सा नेक बनाना बताते हैं। तो इस नेक को बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी कुर्ती, एक मैचिंग कपड़ा और एक बुकरम। तो चलिए पहले हम आपको नेक कट करना बताते हैं। तो सब चीज़ें हटा देंगे यहाँ से। तो नेक कट करने के लिए यहाँ पे हमने अपनी बुकरम ली है और इस बुकरम की चौड़ाई हमने ली है करीब करीब 10 इंच। 10 इंच चौड़ी आपकी बुकरम है और जो आपकी लंबाई है बुकरम की, वो आप ले सकते हैं अपने नेक की लंबाई के हिसाब से। अब सबसे पहले आपको इस बुकरम को बीच से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे नेक की चौड़ाई का और नेक की लंबाई का। तो यहाँ पे हमारे नेक की चौड़ाई होगी 6 इंच, 6 का हाफ होगा 3 इंच। ऐसे निशान लगाया और ऐसे निशान नीचे यहाँ पर लगाएंगे। अब इसके बाद निशान लगाएंगे नेक की लंबाई का। तो यहाँ पे हम अपने नेक की लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे। अब इसके बाद इन मार्क को हम सीधा कर देंगे। तो ये हमने निशान लगाए, लेकिन अगर आप चाहें तो नेक की चौड़ाई को, नेक की लंबाई को अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे अपने नेक की शेप का। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक पांच शेप। ये हमने यहाँ पे एक पांच शेप बनाई। अब इसके बाद हम इसके बराबर में यहाँ पे करीब 1 इंच का गैप देके एक निशान इसके बराबर में लगाएंगे। और इसको थोड़ा नीचे लेकर आएंगे इस प्रकार से और यहाँ पर ऐसे मोड़ देंगे निशान को, इस प्रकार टच कर देंगे। तो ये आपका एक निशान हुआ। पहले यहाँ पे हमने 5 शेप बनाया, फिर इसके बाद एक मार्क के बराबर में लगाया है। अब इसके बाद एक मार्क हम इसके नीचे यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ से हम अपने निशान को शुरू करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने निशान लगाया। तो ये आपका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन की मार्किंग हो चुकी है। एक निशान आपका ये है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है। अब सबसे पहले आपको उसको अंदर से कट करना शुरू करना है। अब हम इसके बाकी निशान पे कट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इसके पैटर्न कट किए। अब इसके बाद हम अपने नेक कट करेंगे। ये आपका नेक है जिसके अंदर आपको ये पैटर्न अटैच करने हैं। हम इसके बराबर से एक्स्ट्रा बुकरम कट करके बाकी बुकरम को निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपका नेक होगा और इन पैटर्न्स को हम तैयार करके अपने नेक के अंदर अटैच करेंगे। तो चलिए पहले हम आपको नेक बनाना बताते हैं। तो इसके लिए लेंगे हम एक अलग से कपड़ा नेक बनाने के लिए। तो ये कपड़ा लिया है हमने नेक को बनाने के लिए। इस नेक को हमने कपड़े ऊपर से रखा है। अब इसके बाद जिस तरह की आपकी नेक की शेप है, आपको इस बुकरम के ऊपर से सह लगानी है। फिर इसके बाद बराबर से आप कपड़ा फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो चलिए हम आपको ये सब करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका नेक तैयार हो चुका है। अब हम इस नेक को अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती है और ये हमारा नेक है। ये हमने कुर्ती में भी नेक की तरह से कट लगा लिया है। अब आपको ऊपर से इसमें कट मिलाना है और नीचे से इसको सेंटर मिलाना है इस प्रकार से। अब इसके बाद इसमें हम एक सिलाई इसके बीच में लगाएंगे ताकि नेक आपका जम जाए और इधर उधर ना हिले।
बीच की सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने पूरे गले पर बुकम के बराबर में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको उसके अंदर कपड़ा कट करना है और यहाँ पर थोड़ा कपड़ा छोड़ देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपना कपड़ा काटने के साथ साथ ये बचे हुए कपड़े में यहाँ पर छोटे छोटे कट भी ऐसे लगा दिए हैं। और इसके बाद अब आपको नेक को पलटना है। पलटने के लिए जहाँ पे आपकी नोक बनी हुई है यहाँ पे आपको इस नोक को नोक कपड़े को हल्का सा ऐसे कट करना होगा। इस प्रकार से ऐसे कट किया, अब आपको इस कपड़े को नोक के ऊपर ऐसे फोल्ड करना है इस प्रकार से। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। ऐसे कपड़ा मोड़ने से आपका नोक अच्छी बनती है इस प्रकार से। अब आप किसी बारीक चीज़ से, किसी सुई से भी, कैंची से हल्का सा यहाँ पे दबाव देके इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। इससे आपकी नोक अच्छी बाहर निकल जाती है। अब हम इसमें यहाँ पर कच्चा लगाएंगे ताकि नेक आपका ऐसे ही जम जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने नेक को तैयार कर दिया है। अब इसके बाद हम आपको इसके अंदर के पैटर्न बनाना बताएंगे। तो दोस्तों, दोनों पैटर्न बनाने के लिए ये हमने कुर्ती का सेम कपड़ा लिया है अपने दोनों पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब आपको इन दोनों पैटर्न्स को कपड़े में अटैच करना है सिलाई लगाकर। तो कैसे अटैच करना है आपको बता देते हैं हम। तो सिंपल, ये आपका पैटर्न है। अब आपको पैटर्न के दोनों साइड यहाँ पे बहुत ही हल्का दबाव देके इसमें सिलाई लगानी है और इसको आपको उसमें अटैच करना है। लेकिन अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली है तो आप उसको प्रेस से भी चिपका सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसमें एक ही तरफ सिलाई लगाई है और बहुत ही कम हमने यहाँ पे दबाव रखा है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ इसके अंदर भी सिलाई लगा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस पैटर्न को पलटना है। तो पलटने के लिए यहाँ पे हम एक कपड़ा ओल लेंगे। तो ये हमने इसमें एक कपड़ा ओल लिया है। इस पैटर्न को कपड़े ऊपर से रखेंगे इस प्रकार से और अपने पूरे गले पर बुकरम के बराबर में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर इसके अंदर कपड़ा कट करके इसको अंदर से बाहर की तरफ पलट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने बचे हुए कपड़े में यहाँ पे छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। अब इस पैटर्न को हम बाहर से अंदर की तरफ ऐसे पलटेंगे इस प्रकार से। ये पूरा कपड़ा आपका ऐसे यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब आपको इस कपड़े को यहाँ पे, आपका जो ये कपड़ा खुला हुआ है यहाँ से आपको इसके बराबर में सिलाई लगानी है, उसको यहाँ से बंद कर देना है। ये हमने सिलाई लगाई। अब इसके बाद ये जो आपका पैटर्न है, पैटर्न से यहाँ पर आधा इंच कपड़ा छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे।
ये हमने अपने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब इसके बाद ये जो इसका अंदर वाला साइड है यहाँ पे हम लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग लगाने के लिए ये हमने अपने मैचिंग कपड़े की एक पट्टी ली हुई है, इसको हमने सिंगल एक तरफ से फोल्ड कर दिया है और ये हमारी उरे पट्टी आड़ी पट्टी है। अब आपको इसको बाहर के साइड ऐसे रखना है और इसको पलट के इसके उल्टे साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस शेप में इस पट्टी को अटैच कर देंगे। और सिलाई लगाते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितना आप यहाँ पे दबाव लेंगे उतनी मोटी आपकी पाइपिंग बनेगी, या फिर जितनी मोटी आपको पाइपिंग बनानी है आप यहाँ पे उतना ही दबाव लीजिए। यह आपकी पट्टियाँ अटैच हुई। अब आपको इस पट्टी को बाहर से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और पाइपिंग के बराबर में आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने अपना एक पैटर्न बना दिया है। अब इसके बाद हमारा दूसरा पैटर्न बनाएंगे। तो दूसरा पैटर्न बनाने के लिए ये हमने अपना वैसे ऐसे कपड़ा लिया है, पैटर्न ऐसे ही लिया है। अब आपको सिंपली जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी बराबर में ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमने अपने पैटर्न को कपड़े पर चिपका दिया है। इसमें भी हमें पलटना है, लेकिन पलटेंगे बाद में, इससे पहले हम इसके ऊपर कुछ पट्टियाँ यूज़ करेंगे। तो ये हमारा मैचिंग कपड़ा है, इस मैचिंग कपड़े का यूज़ करेंगे हम। इसमें से आपको कुछ सीधी पट्टियाँ कट कर लेनी है, इस प्रकार से करीब 1 इंच चौड़ी में पट्टियाँ आप ऐसे कट करेंगे इस प्रकार से। अब इन पट्टी को पैटर्न के ऊपर अटैच करेंगे। क्या करना है आपको, ये आपकी पट्टी है, इसको आपको एक साइड से सिंगल फोल्ड करना है इस प्रकार से और इसको ऊपर सीधा पैटर्न के ऊपर सीधा रखकर यहाँ पर इस प्रकार से एक साइड सिलाई लगानी है ताकि इस पर अटैच हो जाए। अब इसके बाद आपको ये जिसका दूसरा साइड है, दूसरे साइड से भी आपको पट्टी को ऐसे ही फोल्ड करना है अंदर को, और फोल्ड करके इसके दूसरे साइड भी आपको यहीं पर ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी एक पट्टी को यहाँ पर ऐसे अटैच कर दिया है, पहले एक साइड से फोल्ड किया फिर दूसरे साइड से फोल्ड किया। अब इसी तरीके से आपको अपने पूरे पैटर्न पे नीचे तक अपनी कुछ पट्टी को यूज़ करना है। तरीका क्या होगा, आपने एक पट्टी लगाई फिर बीच में थोड़ा गैप दिया, फिर ऐसे ही दूसरी पट्टी यूज़ कर देंगे बीच में गैप देकर। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने पूरे पैटर्न पे ऐसे पट्टियाँ लगा दी हैं। अब हम इसको भी पलटेंगे। पलटने के लिए हम यहाँ पर कपड़ा लेंगे सेम पैटर्न के साइज़ का और इसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद जो इसके अंदर वाला साइड है यहाँ पे बुकरम के बराबर में सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम पलटेंगे इस प्रकार से। ये पलटने के बाद अब इसमें हम एक सिलाई इसके यहाँ पर लगाएंगे जो आपका ये हिस्सा खुला हुआ है बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके बराबर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे।
दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे पाइपिंग। जिस प्रकार से हमने पट्टी वाली पाइपिंग अपने इस नेक पर लगाई थी, सेम इसी प्रकार से सिलाई लगाकर पट्टी पलट देंगे और आपकी पाइपिंग यहाँ पर ऐसे बन जाएगी जिस हमने यहाँ पर बनाई थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी पैटर्न पाइपिंग लगा दी है। अब इसके बाद अब हम दोनों पैटर्न्स को आपस में अटैच करेंगे। तो ये आपका नीचे वाला पैटर्न है और ये आपका ऊपर वाला पीस है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस छोटे वाले पीस को बड़े वाले पीस के ऊपर ऐसे रखना है इस प्रकार से, और जो ये आपने सिलाई लगाई थी अपने पैटर्न को कपड़े चिपकाने के लिए, इस सिलाई को यहाँ पर हल्का छिपाते हुए अब अपनी पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे और आपका पैटर्न यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने अपने दोनों पैटर्न आपस में अटैच कर दिया है। अब आपके दोनों पैटर्न तैयार है आपके नेक में अटैच होने के लिए। तो ये आपके दोनों पैटर्न हैं और ये हमारा नेक है। इसमें आपको अब हम इसको बहुत ही आसानी से इसमें अटैच कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें अटैच नहीं करेंगे। अपने नेक में पैटर्न अटैच करने से पहले जिस तरह की पाइपिंग आपने अपने इस वाले पैटर्न में और जिस तरह की पाइपिंग आपने इसे नीचे पैटर्न में लगाई थी, ऐसी ही पाइपिंग आपको अपने नेक में भी लगानी होगी। तो चलिए हम बिल्कुल सेम इस तरीके से अपनी एक पाइपिंग नेक के किनारे पर भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने सेम पैटर्न की तरह अपने नेक में पाइपिंग लगा दी है। ये आपकी पाइपिंग का आगे का हिस्सा है और ये आपके नेक का पीछे का पार्ट है। अब इसके अंदर हम अपने पैटर्न अटैच करेंगे। तो ये हमारे पैटर्न जो कि हमने आपको पहले अटैच करना बताए थे, अब इन पैटर्न्स के ऊपर आपको नेक को रखना है और ये जो आपकी सिलाई है, सिलाई को हल्का सा दबाते हुए जैसे आपने ये पैटर्न अटैच किया था, ऐसे ही आपको इस पैटर्न को नेक में जोड़ना है। तो यहाँ से हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे एक हल्की सिलाई दबाते हुए और पाइपिंग के बराबर सिलाई लगा कर इसको जोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पैटर्न अटैच होने के बाद आपका जो डिज़ाइन है बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पे हमने कुछ बटन भी लगा दिए हैं। तो बटन लगने के बाद आपका जो डिज़ाइन है, आपका जो वीडियो बन के तैयार हो चुका है। और इसके बाद भी अगर आपको हमारी पूरी इस वीडियो में अगर कुछ भी सीखने कुछ परेशानी है तो आप हमें कमेंट करें, और आपको हमारा डिज़ाइन और हमारा वीडियो कैसा लगा ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।